जय श्री राम भक्तों, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की। आप जानते हैं कार्य चल रहा था, काफ़ी समय से काम चल रहा था धाम पर, जो मंदिर बन रहे हैं, सही से सुविधाएं हो रही भक्तों के लिए। जब अन्नपूर्ण रसोई चलती थी कच्चे में, जो काम चलाओ झोपड़े टीन डालकर अन्य क्षेत्र चलता था रसोई, आज वो बालाजी की कृपा से टाइल्स लग गई हैं, बहुत अच्छे से भोजन प्रसाद सभी ग्रहण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो खाटू श्याम के भजन गाते हैं अंजलि जी, इनके भजन इतने सुपर हिट चलते हैं और इतने प्यारे भजन गाती हैं। जो गाया था वाला भजन बहुत ही प्यारा लगा था, अपना हमें बना ले मेरे श्याम खाटू वाले, अपना हमें बना ले मेरे श्याम खाटू वाले, ये वाला भजन इनका बहुत चला था। और अंजलि जी वो खाटू श्याम के भजन जागरण करती हैं और बागेश्वर धाम सरकार से मिलने आई। और दूसरी ओर जो हमारे लड़कियों का नाम रोशन किया, हमारे भारत की बेटियों का, सबका, भारत का 400 किलोमीटर की रेस जीती और गोल्ड मेडल पाया, वर्ल्ड चैम्पियन का गोल्ड मेडल पाकर, और हम सभी भारत लड़कियों का नाम रोशन किया हेमा दास ने, जो दिल्ली में गुरुदेव से मिलने आई। और दिल्ली में कथा चल रही है गुरुदेव की, आप जो भी भक्त मिलना चाहते हैं दिल्ली जा सकते हैं और इनसे मुलाकात कर सकते हैं और मिल सकते हैं। जो गुरुदेव कथा भी कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी पूजन चल रहा है, जैसे आप सभी भक्त के घर घर में गणेश पप्पा का विराजमान है, स्थापना है, और 9 दिन तक पूजा करने के बाद इनको विदा कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं जो दिल्ली में खुशी में भागवत कथा चल रही है, गणेश पप्पा की कथाएँ गाई गुरुदेव ने, उनके बारे में, उनका अवतार के बारे में, हर रूप के बारे में उनका वर्णन किया। और जो वर्ल्ड चैम्पियन की हेमा दास हैं, उन्होंने हमारे पूरे भारत का नाम रोशन कर इतनी मेहनत करी, और गुरुदेव ने ढेर सारा अपने बहन को आशीर्वाद दिया और उनसे मुलाकात कराई पूरे सभी भक्तों से। और इतना ही नहीं, गुरुदेव से मिलने के लिए दिल्ली में जो भी सुन रहा है, जिनकी श्रद्धा है, मिलने जा रहे हैं गुरुदेव से, जो जागरण करती हैं खाटू श्याम जी का, और उनके भजन भी बहुत सुपर हिट चलते हैं। तेरे नाम के पागल हैं हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं हमें दुनिया की परवाह नहीं, तुमको पाने की खातिर अब, तुमको पाने की खातिर अब मन में कोई चाह नहीं, हम तेरे नाम के पागल हैं हमें दुनिया की परवाह ही नहीं। अंजलि चौहान ने जो भजन सुंदर से गाए हैं खाटू श्याम जी के, बहुत ही ज़्यादा दीवानी है, भक्ति में मगन रहती हैं, तो अपने बागेश्वर धाम सरकार के दरबार पर आकर कथा मंच पर उन्होंने 4 चांद लगा दिए और सभी भक्तों को अपने भजन से, अपने सुर आवाज़ से गाकर अपने भजन जो खाटू श्याम के हैं सभी का हृदय जीत लिया, गुरुदेव को भी बहुत प्रसन्न किया। इतना ही नहीं, जैसे कि मनोज तिवारी जी भी गुरुदेव से मिल चुके हैं और अंजलि जी भी मिल चुकी हैं और जो हेमा दास हैं वो भी मिल चुकी हैं गुरुदेव से, जो जब तक दिल्ली में कथाएँ करेंगे हर रोज़ कोई ना कोई मिलने पे आएगा। तो आप कथा सुनने की श्रद्धा है तो आप अपने आस्था से भी सुन सकते हो, जो नहीं जा पा रहे हैं दिल्ली आस्था चैनल से सुन सकते हो जो गुरुदेव की कथा आती है। और इतनी सुंदर सुंदर कथाएं गाई गुरुदेव ने, इतना हंसाते भी हैं, जैसे कि आप पता ही है कथा में आनंद आता है, महासंत भी वहाँ मौजूद होते हैं सभी प्रिय भक्त बालाजी के। तो और धाम पर भी काफ़ी बालाजी की कृपा से हर अन्नू रसोई में जो अन्नपूर्णिमा भंडार चलता है वहाँ पे पंखे टाइल्स हैं बढ़िया अच्छे से चकाचक, धर्मशाला बन चुकी है, जो सारे हज़ारों लाखों भक्तों की भीड़ है जो अन्नपूर्णिमा में प्रसाद ग्रहण कर रही है, और अन्य क्षेत्र कंटिन्यू चल रहा है और हर भक्त अपने जो भी आ रहा है अपनी भूख को शांत कर रहे हैं। तो जहाँ भी गुरुदेव जाते हैं वहाँ भक्तों का इतना इस प्रकार सैलाब बढ़ जाता है कि बेगिनती, और
कथा पिंडाल से भी भक्त बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, कथा पिंडाल में भी जगह नहीं रहती। और इस प्रकार बालाजी की कृपा है, जो भक्त अपने काम कार्य निपटाकर अपने कथा सुनने के लिए भक्त निकालते हैं, वो बहुत ही अद्भुत बात है। ये बहुत ही गर्व की बात है। हम सब सनातनी जाग रहे हैं धीरे धीरे, और सभी हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है गुरुदेव का, दिन रात मेहनत करते हैं और बना रहे हैं। और हम सब बेटियों बहनों के लिए गुरुदेव इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 24 घंटे में से कुछ ही क्षण सो पाते हैं, वरना कंटिन्यू मेहनत करने पे हैं, सवेरे उठ जाते हैं, अंधेरी बहुत रात्रि में सोते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम कार्य जो होते हैं उनको इतनी सेवादार कर रखने के बाद भी, इतने सारे सेवादार होने के बाद भी गुरुदेव के भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो स्वयं खुद ही गुरुदेव को करने होते हैं। तो हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं गुरुदेव। तो हम सब बेटियों के लिए जो कन्या विवाह कराएंगे गुरुदेव अब महाशिवरात्रि पर, और आपने जाना होगा जो अभी पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी कन्याओं का विवाह संपन्न कराया था, और इस बार भी गुरुदेव का प्रण ले रखा है गुरुदेव ने, तो इस बार भी कराएंगे। और बालाजी कृपा से ये सपना ज़रूर पूरा हो। हम सब बेटियों के लिए इतना मेहनत करते हैं, हम सब बहनों से यही प्रार्थना है गुरुदेव के लिए कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्रेम लिखें, और जय श्री राम लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। और इनके बारे में कुछ भी आपको अपडेट चाहिए तो आप भेजिएगा, कमेंट कर सकते हो। और कथा से जुड़ना चाहते हो तो आस्था के चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो, और कथा अपने कंटिन्यू रोज़ आती है गुरुदेव की। और प्रश्नोत्तरी जैसे कि अभी कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं, दिव्य दरबार भी लगाते हैं गुरुदेव, जो लाखों हज़ारों भक्तों का पर्चा भी बनता है, जो गुरुदेव अच्छी पोल खोलते हैं सभी भक्तों की। और जो घर में परेशानी होती है, बाधाएँ होती हैं, या तांत्रिक विद्या होती है, या फिर मानसिक कोई भी बीमारी होती है, बालाजी की कृपा से पर्चे में आ जाती है, और पर्चे लिख देते हैं गुरुदेव और अपने रोगी का दुख काट देते हैं, और अपने आशीर्वाद प्राप्त करा देते हैं, बालाजी की कृपा प्राप्त करा देते हैं। देखिए, गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो भगवान नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो भगवान नहीं। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, सबसे ऊँचा दर्जा प्रेम का। प्रेम से ही सब कुछ मुश्किल से मुश्किल कार्य हो जाते हैं, और प्रेम की ही हमारी राधा रानी हैं, जो प्रेम की स्वामिनी सरकार है, श्री राधा रानी हैं सरकार हैं। तो प्रेम सबसे ऊंचा दर्जा है। प्रेम चाहे माता पिता से करो, प्रेम चाहे अपने मित्र से करो, प्रेम चाहे भाई सगा परिवार से करो, प्रेम चाहे परमात्मा से करो। प्रेम ही इस भवसागर से पार लगाते हैं। भक्ति करोगे प्रेम से तो ज़रूर परमात्मा को एक न दिन प्राप्त कर जाओगे। 84 लाख योनि के बाद हमें मानव योनि प्राप्त होती है। इस तन को खोया, सब कुछ खोया, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। कहते हैं लाख माया कमाए, लाख दौलत कमाई, अगर राम नाम का भजन धूप न मचाई तो सारी दौलत बेकार है। ऐसी कोई गली नहीं जा बालाजी की चली नहीं। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बागेश्वर धाम सरकार हिंदी शास्त्री जो ऐलान करते हैं, तो उस कार्य को करते पे भी बहुत जल्द दिखाई देंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कंटिन्यू उनकी मेहनत रंग लाएगी ज़रूर, वो कंटिन्यू मेहनत करते ही जा रहे हैं। उनके इस प्रकार पागल भक्त हैं, देख रहे हैं जो गुरुदेव के लिए प्यारा सा मुकुट, सुंदर सा मुकुट लेके आए भक्त। और गुरुदेव ने पहले उनसे खूब मजाक किए, हंसे बोले, फिर उनको बहुत स्वीकार करा। तो गुरुदेव के लिए प्यार प्यार कमेंट जरूर करते हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके